श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 भगवद विज्ञान अध्याय 7 प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। नारद मुनि ने कहा, हालांकि प्रहलाद महाराज का जन्म असुरों के परिवार में हुआ था, फिर भी वे सभी भक्तों में सबसे महान थे। इस तरह से अपने असुर सहपाठियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को याद किया और अपने दोस्तों को इस प्रकार उत्तर दिया। प्रहलाद महाराज बोले, जब हमारे पिता हिरण्यकशिपु कठोर तपस्या करने मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में राजा इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध में सभी असुरों को वश में करने का प्रबल प्रयास किया। हाँ, जैसे छोटी छोटी चींटियां सांप को खा जाती हैं, वैसे ही कष्टदायक हिरण्यकशिपु, जिसने हमेशा हर प्रकार के लोगों को कष्ट दिया, अब अपने ही पापों के परिणामों से हार गया है। ये कहकर इंद्रादि देवताओं ने असुरों से लड़ने की योजना बनाई। जब एक के बाद एक आसुरी नेताओं को मारे जाने पर देवताओं के अभूतपूर्व युद्ध बल को देखकर वे तितर बितर होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने घरों, पत्नियों, बच्चों, पशुओं और घर के सारे सामान को छोड़कर भाग गए। उन्होंने इन सब की परवाह नहीं की और भागना शुरू कर दिया। विजयी देवताओं ने असुरराज हिरण्यकशिपु के महल को लूट लिया और उसमें रखी सभी वस्तुओं को नष्ट कर डाला। तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने मेरी माता और रानी को बंदी बना लिया। जब वो डर के मारे एक गिद्ध द्वारा पकड़ी गई कुकरिया चिड़िया की तरह चिल्लाती हुई जा रही थी, तब महर्षि नारद, जो उस समय किसी भी कार्य में व्यस्त नहीं थे, घटनास्थल पर दिखाई दिए और उन्होंने उसे उस हालत में देखा। नारद मुनि ने कहा, हे देवराज इंद्र, ये स्त्री निस्संदेह पाप रहित है। आपको उसे ऐसे क्रूरता से नहीं खींचना चाहिए। हे महाभाग्यशाली, ये पवित्र स्त्री किसी दूसरे की पत्नी है। आपको उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। राजा इंद्र ने कहा, इस दैत्य पत्नी के गर्भ में उस दैत्य हिरण्यकशिपु का वीर्य है, अतः वह तब तक हमारी अभिरक्षा में रहे जब तक बच्चा उत्पन्न न हो जाए। उसके बाद हम उसे छोड़ देंगे। नारद मुनि ने उत्तर दिया, इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक दोष रहित तथा पाप रहित है। निस्संदेह वह महान भक्त तथा श्री भगवान के पराक्रमी सेवक है, अतः तुम उसे मार नहीं पाओगे। जब परम संत नारद मुनि ने ये कहा, तो राजा इंद्र ने नारद के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत मेरी माता को मुक्त कर दिया। मेरे भगवान का भक्त होने के कारण सभी देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की। तत्पश्चात वे सभी अपने अपने स्वर्गलोक को लौट गए। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, परम संत नारद मुनि मेरी माता को अपने आश्रम ले गए और उन्होंने हर प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा, मेरी बेटी, तुम मेरे आश्रम में ही रहना जब तक तुम्हारे पति वापस न आ जाएं। देवर्षि नारद के उपदेश मानने के पश्चात मेरी माता तभी तक उनकी देखभाल में निर्भयता पूर्वक रही जब तक मेरे पिता दैत्यराज अपनी कठिन तपस्या से मुक्त नहीं हो गए। मेरी माँ गर्भवती थी और चाहती थी कि उनका गर्भ सुरक्षित रहे और गर्भस्थ बच्चा उनके पति के वापस आने के बाद जन्म ले। इसलिए वे नारद मुनि के आश्रम में रहीं, जहाँ उन्होंने पूरी श्रद्धा से नारद मुनि की सेवा की। नारद मुनि ने मेरे गर्भस्थ होने के दौरान मुझे और मेरी माता, जो उनकी सेवा में रत थीं, दोनों को उपदेश दिया। चूंकि वे स्वभावतः ही पतितों पर अत्यंत दयालु हैं, इसी कारण अपनी दिव्य स्थिति से धर्म और दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। ये उपदेश भौतिक दूषण से रहित थे। ज्यादा समय बीत जाने और स्त्रियों में समझ का स्तर कम होने के कारण मेरी माँ वे सभी उपदेश भूल गईं, परंतु महान ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था, इसलिए मैं उन्हें भूला नहीं पाया। प्रहलाद महाराज बोले, हे मित्रों, यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास करो तो तुम भी उसी विश्वास से मेरे समान अलौकिक ज्ञान को समझ सकते हो, भले ही तुम सभी छोटे छोटे बालक ही क्यों न हो। इसी प्रकार एक स्त्री भी अलौकिक ज्ञान को समझ सकती है और जान सकती है कि आत्मा क्या है और भौतिक पदार्थ क्या है। जैसे जैसे समय बीतता है, एक पेड़ के फल और फूल में जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, कमजोरी और फिर मृत्यु जैसे 6 परिवर्तन होते हैं, ठीक उसी प्रकार अलग अलग परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर मिलता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। हालांकि आत्मा में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। आत्मा शब्द परमेश्वर या जीवों का बोध कराता है। आत्मा आध्यात्मिक है, जन्म मृत्यु से परे है,
क्षय और भौतिक अशुद्धता से रहित है। आत्मा व्यक्तित्व पूर्ण है, वे बाहरी शरीर को जानते हैं और सभी चीजों की नींव या आश्रय हैं। आत्मा भौतिक परिवर्तन से मुक्त हैं, स्वयं प्रकाशित हैं, सभी कारणों के कारण हैं और सर्वव्यापी हैं। आत्मा को भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वे हमेशा अप्रतिबंधित रहते हैं। इन पालौकिक गुणों से युक्त व्यक्ति को जीवन की भ्रमपूर्ण धारणा को छोड़ना चाहिए जिसमें वह सोचता है, मैं ये भौतिक शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित हर चीज मेरी है। टिप्पणियां: एक, आत्मा के आश्रय के बिना भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं हो सकता। दो, जैसा कि पहले बताया गया है, वृक्ष में फल फूल जन्म लेते हैं, पकते हैं, बढ़ते हैं, रूपांतरित होते हैं, क्षीण होते हैं और ऋतु परिवर्तन के अनुसार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इतने सारे परिवर्तनों के होते हुए भी वृक्ष वैसे का वैसा रहता है। इसी प्रकार आत्मा सभी परिवर्तनों से मुक्त है। तीन, किसी को भी आत्मा को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो स्वयं प्रकट है। मनुष्य आसानी से समझ सकता है कि एक जीवित शरीर में आत्मा है। एक कुशल भूविज्ञानी जान सकता है कि सोना कहाँ है और विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करके उसे स्वर्ण खनिज से निकाल सकता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति समझ सकता है कि शरीर के भीतर आध्यात्मिक कण कैसे मौजूद हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की खेती करके वो आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हालांकि जिस प्रकार से कोई अकुशल व्यक्ति समझ नहीं सकता कि सोना कहाँ है, उसी प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति जिसने आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सीखा है, यह नहीं समझ सकता कि आत्मा शरीर के भीतर कैसे मौजूद हो सकती है। भगवान की 8 अलग अलग भौतिक शक्तियाँ, प्रकृति के 3 गुण और 16 विकार, 11 इंद्रियां और 5 स्थूल भौतिक तत्व जैसे पृथ्वी और जल, इन सभी के भीतर आत्मा एक साक्षी के रूप में मौजूद है। इसलिए सभी महान आचार्यों ने निष्कर्ष निकाला है कि आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों से बंधी है। प्रत्येक आत्मा के लिए 2 तरह के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर जो 5 स्थूल तत्वों से बना होता है और एक सूक्ष्म शरीर जो 3 सूक्ष्म तत्वों से बना होता है, किंतु इन शरीरों के भीतर ही आत्मा है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह नहीं है कहकर विश्लेषण द्वारा आत्मा की खोज करे। इस तरह उसे आत्मा को पदार्थ से अलग कर लेना चाहिए। ध्यानस्थ और विशेषज्ञता संपन्न पुरुषों को चाहिए कि विश्लेषणात्मक अध्ययन से शुद्ध किए गए मन से आत्मा की खोज करें, जिसे सृजन, पालन और विनाश से गुजरने वाली सभी वस्तुओं से आत्मा के संबंध और भेद के रूप में किया गया हो। बुद्धि को सक्रियता की 3 अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में समझा जा सकता है। जो व्यक्ति इन तीनों का अनुभव करता है, उसे मूल स्वामी, शासक या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना जाता है। जिस प्रकार हवा की मौजूदगी उसकी खुशबू से पता चलती है, उसी तरह परमात्मा के मार्गदर्शन में व्यक्ति बुद्धि के इन 3 विभाजनों के माध्यम से जीव आत्मा को समझ सकता है। हालांकि ये 3 विभाजन आत्मा नहीं है, वे 3 गुणों से बने हैं और क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। प्रदूषित बुद्धि होने के कारण मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है और इस प्रकार वो भौतिक अस्तित्व से बंध जाता है। इस भौतिक अस्तित्व को, जिसका कारण अज्ञान है, उसी प्रकार अवांछित और अस्थायी मानना चाहिए जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मनुष्य को झूठे कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हे दानवों के पुत्रों, तुम्हारा कर्तव्य है कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करो, जिससे कृत्रिम रूप से भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा पैदा किए गए सकौम कर्मों के बीज को जलाया जा सकता है और जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था में बुद्धि के प्रवाह को रोका जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो उसका अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता है। उन भिन्न प्रक्रियाओं में से जो भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए अनुशंसित हैं, जिसे भगवान ने स्वयं समझाया और स्वीकार किया है, उसे सबसे उत्तम माना जाना चाहिए। वो प्रक्रिया कर्तव्यों का पालन करना है, जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम का विकास होता है। मनुष्य को सच्चे गुरु को स्वीकार करना चाहिए और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उसकी सेवा करनी चाहिए। जो भी कुछ उसके पास है, उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए। साथ ही संतों और भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा के साथ भगवान के गुणों का श्रवण करना चाहिए और उनके कार्यों का महिमामंडन करना चाहिए। साथ ही हमेशा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए और शास्त्र एवं गुरु के निर्देशों के अनुसार भगवान की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए।
मानव को सर्वोच्च व्यक्तित्व के भगवान को उनके स्थानीय प्रतिनिधि स्वरूप में परमात्मा के रूप में सदैव याद रखना चाहिए, जो प्रत्येक जीव के हृदय के केंद्र में स्थित होते हैं। इसलिए उसे प्रत्येक जीव की स्थिति या अभिव्यक्ति के अनुसार उसका सम्मान करना चाहिए। इन उपर्युक्त क्रियाकलापों द्वारा मनुष्य अपने शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या के प्रभाव को कम कर पाता है और ऐसा करने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह निश्चित रूप से भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण सेवा के मंच पर पहुंच जाता है। भक्ति के पद पर आसीन व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और इस तरह वह एक मुक्त व्यक्ति बन जाता है। जब ऐसा मुक्त व्यक्ति या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों और कार्यों के बारे में सुनता है, तो उसके शरीर में रोमांच हो आता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उसकी वाणी रुक जाती है। कभी वह खुले तौर पर नाचता है, कभी जोर जोर से गाता है और कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह अपने दिव्य आनंद को व्यक्त करता है। जब कोई भक्त किसी भूत से ग्रस्त इंसान के समान हो जाता है, तब वो हंसता है और बहुत ही ऊंची आवाज में भगवान के गुणों का बखान करता है। कभी कभी वो ध्यान लगाने के लिए बैठता है और सभी जीवों को भगवान का भक्त मानते हुए उन्हें प्रणाम करता है। लगातार तेजी से सांस लेते हुए वो सामाजिक शिष्टाचार की परवाह किए बिना पागल की तरह जोर जोर से हरे कृष्ण, हे भगवान, हे ब्रह्मांड के स्वामी का उच्चारण करता है। उस समय भक्त सारे भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की लीलाओं के बारे में सोचता रहता है और उसका मन और शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल चुके होते हैं। उसकी गहरी भक्ति के कारण उसका अज्ञान, भौतिक चेतना और सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर पूरी तरह से भस्म हो जाती हैं। यही वो अवस्था है जब मनुष्य भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सकता है। जीवन की वास्तविक समस्या जन्म मृत्यु का चक्र है, जो पहिए की तरह बार बार ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन जब कोई भगवान के संपर्क में रहता है तो यह चक्र पूरी तरह से रुक जाता है। दूसरे शब्दों में, भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने से जो परम आनंद मिलता है, उसे वो व्यक्ति भौतिक अस्तित्व से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। सभी विद्वान लोग ये जानते हैं। इसलिए हे मेरे मित्रों, हे असुरों के पुत्रों, तुम सब तुरंत अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजा प्रारंभ कर दो। हे मेरे असुरों से जन्मे मित्रों, परम आत्मा के रूप में भगवान हमेशा हर जीव के हृदय में रहते हैं। सचमुच वे सभी प्राणियों के हितैषी और मित्र हैं, और भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई नहीं है। तो फिर लोग उनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं? वे इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ ही किन कृत्रिम उपकरणों को बनाने में लगे रहते हैं? मनुष्य के धन, सुंदर स्त्री और प्रेमिका, उनके बेटे और बेटियां, उनका निवास, गाय, हाथी और घोड़े जैसे उनके पालतू पशु, उनका खजाना, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति, वास्तव में यहाँ तक कि वह जीवन काल जिसमें वह इन सभी भौतिक ऐश्वर्यों का आनंद ले सकता है, निश्चित रूप से अस्थायी और क्षणभंगुर हैं। चूंकि मानव जीवन का अवसर अस्थायी है, इसलिए ये भौतिक ऐश्वर्य उस समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं जिसने स्वयं को शाश्वत समझ लिया है? वैदिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करके मनुष्य ऊपर उठकर स्वर्गलोक तक भी जा सकता है। परंतु स्वर्गलोक का जीवन पृथ्वी के जीवन की तुलना में सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुखकर होने पर भी स्वर्गलोक शुद्ध, निर्मल नहीं है और भौतिक जगत के दोषों से रहित भी नहीं है। सभी स्वर्गलोक नश्वर भी हैं, इसलिए ये जीवन के लक्ष्य नहीं हो सकते। परंतु यह न तो कभी देखा गया है और न ही सुना गया है कि भगवान में उन्माद होता है। इसलिए अपने लाभ और आत्म साक्षात्कार के लिए तुम्हें शास्त्रों में बताई गई विधि से अत्यधिक भक्ति के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। भौतिकतावादी मनुष्य, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, वह लगातार आर्थिक विकास के लिए काम करता रहता है। लेकिन जैसा कि वेदों में कहा गया है, वह या तो इसी जीवन में या अगले जीवन में भौतिक क्रियाओं से बार बार निराश होता रहता है। वास्तव में उसे जो परिणाम मिलते हैं, वे अनिवार्य रूप से उसकी इच्छाओं के विपरीत होते हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक भौतिकतावादी सुख और आनंद की चाह रखता है और अपने दुख को कम करना चाहता है, इसलिए वह तदनुसार कर्म करता है। लेकिन वास्तव में कोई तभी तक खुश रहता है जब तक वो सुख के लिए प्रयास नहीं करता है।
जैसे ही वो सुख के लिए काम करना शुरू कर देता है, तभी से उसकी दुख की अवस्था शुरू हो जाती है। जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख चाहता है और इसके लिए कई प्लान्स बनाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह शरीर तो दूसरों की संपत्ति है। ये मौत वाला शरीर थोड़े समय के लिए जीवात्मा से गले मिलता है और फिर उसे छोड़कर चला जाता है। जब शरीर का अंत अंततः मल या मिट्टी के रूप में होने जा रहा है, तब पत्नियां, घर, धन, बच्चे, रिश्तेदार, नौकर चाकर, दोस्त, राज्य, खजाना, पशु और मंत्री जैसे शरीर से जुड़े सभी साजो सामान का क्या मतलब है? ये सभी अस्थाई हैं। इनके बारे में और क्या कहा जा सकता है? ये सभी साज सामान शरीर के अस्तित्व तक ही प्रिय लगते हैं, पर जैसे ही शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर से जुड़ी ये सभी चीजें भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए वास्तव में किसी को इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश ही लोग इन्हें मूल्यवान मान बैठते हैं। शाश्वत सुख के महासागर की तुलना में ये सभी चीजें बेहद नगण्य हैं। शाश्वत जीव के लिए ऐसे नगण्य रिश्तों से क्या फायदा? हे मेरे मित्रों, हे असुरों के पुत्रों, जीव को अपने पूर्व जन्मों के अनुसार ही नाना प्रकार के शरीर मिलते हैं। इसीलिए वो विशेष शरीर के साथ जीवन की हर स्थितियों में संघर्ष और कठिनाइयों को झेलता दिखाई देता है, चाहे वो जन्म लेने से शुरू हो या इस देह की प्राप्ति पर आकर खत्म हो। इसलिए तुम सब ध्यानपूर्वक सोच विचार करके मुझे ये बताओ कि जीव का वास्तविक हित उन सकोम कर्मों में क्या है जो केवल दुख और कष्ट लाते हैं? वो जीव जिसे अपने पिछले कर्मों के फलस्वरूप वर्तमान शरीर प्राप्त हुआ है, इस जीवन में अपने कर्मों के परिणामों का अंत कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भौतिक शरीरों से मुक्ति पा चुका है। जीव को एक प्रकार का शरीर मिलता है और उस शरीर से कर्म करने से वो दूसरे शरीर को जन्म देता है। इसलिए वह अपने अज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र में एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के चार सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रभु की रुचि पर निर्भर हैं। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करें। बिना इच्छा के सर्वोच्च भगवान की कृपा पर पूरी तरह से निर्भर रहें, उन्हें भक्ति सेवा में सुपसोल की पूजा करें। भगवान हरि समस्त प्राणियों की आत्मा और परमात्मा है। प्रत्येक प्राणी जीवित आत्मा और भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति के प्रकटीकरण है। अतः भगवान सबसे प्रिय हैं और सर्वोच्च नियंत्रक हैं। यदि किसी देवता, दानव, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व अथवा इस संसार में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जो मुक्ति प्रदाता मुकुंद के चरणों में सेवा करते हैं, तो वास्तव में वे जीवन की सबसे शुभ स्थिति का अनुभव करते हैं, जैसा कि हम प्रहलाद महाराज जैसे महाजनों के ही समान करते हैं। हे प्रिय मित्रों, हे राक्षसों के पुत्रों, तुम लोग चाहे पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बन जाओ, या फिर सदैव अच्छे व्यवहार या विशाल ज्ञान को प्राप्त कर लो, परंतु इससे तुम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। इनमें से कोई भी योग्यता ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। न ही कोई दान, तपस्या, यज्ञ, पवित्रता या व्रतों से उन्हें संतुष्ट कर सकता है। भगवान केवल तभी प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति उनके प्रति अटूट और समर्पित भक्ति रखता है। ईमानदारी से भक्ति सेवा के बिना सब कुछ केवल दिखावा मात्र है। हे मित्रों, तुम जो असुरों की संतान हो, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो और अपनी देखभाल करते हो, उसी प्रकार समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति स्वीकार करो। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तुम भी शामिल हो, यक्ष तथा राक्षस, अनपढ़ स्त्रियां, शूद्र, ग्वाले, पक्षी, निम्नतर पशु तथा पापी प्राणी अपना अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से सदा सदा इसी तरह बने रह सकते हैं। इस भौतिक जगत में गोविंद के चरणों में सेवा करना और उनका दर्शन हर जगह करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जैसा कि सभी शास्त्रों में बताया गया है, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य यही है।